बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के पूर्व छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के समर्थक अजय चौधरी ने 2 पूर्व विधायक सहित 11 भाजपा नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा है, जिनमें पूर्व प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, पूर्व विधायक शिशुपाल शोरी समेत 11 बीजेपी के नेता शामिल है। नोटिस में अजय चौधरी ने भाजपा नेताओं के द्वारा 2 दिन में आरोप साबित नहीं किए जाने पर माफी मांगने की बात कही है। कुमारी शैलजा हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी है, जिनके खिलाफ प्रचार के लिए भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले नेताओं को हरियाणा भेजा है। प्रचार के दौरान भाजपा नेता कुमारी शैलजा पर जमकर आरोप लगाते हुए ये लोग देखे जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के दौरान लेन देन करने के सीधे आरोप भी लगा रहे हैं। इस पर कुमारी शैलजा के समर्थक अजय चौधरी की ओर से भाजपा नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं ने भी माकूल जवाब देने की बात कही है। शैलजा का लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है, वो बौखला गई है और इस बौखलाहट में खींच में उन्होंने हम लोगों को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस से ना हम डरे थे ना डरने वाले हैं छक है और इसका बकायदा कानूनी सही प्रतिसाद प्रतिउत्तर दिया जाएगा। कि पहले छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी, उनके द्वारा मुझे एक लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है। लीगल नोटिस में मुझे कहा गया है कि मैंने जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं उनका वो तथ्य प्रेषित करें, वरना वो मुझे मेरे पर कार्रवाई करेगी। ये जो हमने आरोप लगाए ये बिल्कुल सत्य है और इसका हम सब